हेलो फ्रेंड्स, प्रोलिक स्टेज पर मैं संगीता बढ़ेगा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ट्रैकलिनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसकी चार वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम वुलन क्लोथ्स की ट्रैकलिनिंग घर पर कैसे की जा सकती है इसे सीखेंगे। थैंक यू। आज हम कार्डिगन और शॉल्स वगैरह की ट्रैकलिंग घर पर करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून के आसपास लिक्विड सोप। जो भी वुलन क्लॉथ के लिए आप सोप इस्तेमाल करते हैं उसको आप ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच आपने लेना है एसिटिक एसिड। ये 1 चम्मच एसिटिक एसिड ले लिया है, ये भी इसी में डालेंगे। अब इस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे आप अच्छे से। इसमें आप 4 से 5 वुलन क्लॉथ्स आप वॉश कर सकते हैं इस सॉल्यूशन में। इसे ऐसे हल्के हाथ से इस तरीके से रब करते हुए आप वॉश करेंगे। इसे आपने ऐसे रगड़ना नहीं है, इसे इसी तरीके से साफ करना है वुलन क्लॉथ्स को। एक हाथ नीचे लेना है, क्लॉथ ऊपर लेना है, दूसरे हाथ से रब करना है। आपस में ऐसे नहीं रगड़ना है। वूलन क्लॉथ्स बहुत डेलिकेटेड होते हैं, इससे इसकी शाइन में फर्क आता है अगर आप उस तरीके से रब करके वॉश करते हैं तो। इस तरीके से वॉश करेंगे तो शाइन काफी समय तक बनी रहेगी इसकी। इसे बहुत ज्यादा प्रेस करके आपने नहीं निकालना है, हल्का हल्का प्रेस करके आप इसे साफ पानी में वॉश कर लेंगे। इसे हल्के हाथ से निचोड़ लेना है, देन साफ पानी में डिप करके निकाल लेंगे। हम इसे अच्छे से साफ पानी में धो लेंगे। इसी तरीके से हम आप एक और क्लॉथ इसमें धो लेते हैं। आप इस सॉल्यूशन में 5 से 7 वूलन क्लॉथ्स धो सकते हैं। एक क्लॉथ को आपने 5 से 7 मिनट देने हैं। इसे भी हल्का सा निचोड़ के आप निकाल लेंगे और साफ पानी में अच्छे से धो लेंगे। साफ पानी से कार्डिगन को हमने साफ पानी से निकाल लिया है। अब हम इसका सेकंड वॉश करेंगे। उसके लिए हमने 2 लीटर के आसपास पानी लिया है और 1 स्पून हमने लेना है विनेगर। एक चम्मच 2 लीटर पानी में 1 चम्मच विनेगर को डाल के जो आपने साफ पानी से निकाल लिए कार्डिगन या वूलन शॉल वगैरह जो भी आप वॉश कर रहे हैं उसे आप इसमें डिप करेंगे। देन आप इसको हल्का सा दबा के, इसे निचोड़ना नहीं है, आप इसे ऐसे ही, और इसे तार पे भी नहीं सुखाना है, हैंगर में भी नहीं सुखाना है, इसे आप लंबाई में बिछा के सुखाना है इसको, जिससे कि वूलन क्लॉथ्स लटके नहीं। ऐसे ही हम सेकंड वाले क्लॉथ को भी डिप कर लेंगे। ऐसे ही हम बाकी क्लॉथ्स जो भी आप धोएंगे उसे इस विनेगर सॉल्यूशन में डिप कर लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसे आपने बहुत निचोड़ना नहीं है। आप चाहे तो इसको चेयर वगैरह पे रख के पानी निकलने दे, देन इसको लंबाई में फैला के सुखा लें। वूलन क्लॉथ्स या शॉल को आप अगर हैंग करके सुखाते हैं तो कपड़े लटक जाते हैं। हमें इन्हें हैंग नहीं करना है, तार पे नहीं सुखाना है, इसे लंबाई में फैला के ही सुखाना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सभी वुलन क्लॉथ्स की ड्रैकलिंग घर पर ही कर सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ब्लेजर कोट पैंट को किस तरीके से घर पर ड्रैकलिंग किया जाता है ये शेयर करूंगी। थैंक यू।